हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मौसमी भट्टाचार्य फ्रॉम शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वाक्य विचार फिर से समझाने जा रही हूँ। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह ग्रुप जिसका अर्थ निकलता हो वही वाक्य कहलाएगा। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दिए गए चित्र में देखिए, कहाँ जा रहे हो? हिंदी पुस्तक। हिंदी पुस्तक से यह समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यार्थी हिंदी पुस्तक लौटाने जा रहा है, हिंदी पुस्तक खरीदने जा रहा है, हिंदी पुस्तक बेचने जा रहा है, क्या करने जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, कहाँ जा रहे हो? हिंदी पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ। पहले लड़के के प्रश्न के जवाब में दूसरे लड़के द्वारा दिया गया उत्तर हिंदी पुस्तक वाक्य नहीं कहा जा सकता, कारण वक्ता का भाव अस्पष्ट है। हिंदी पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ वक्ता का भाव यानी अभिप्राय, वो क्या कहना चाह रहा है, वह ठीक से स्पष्ट हो रहा है। अब हम वाक्य के अंगों को समझेंगे। संरचना के आधार पर वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। श्रेया कक्षा में प्रथम आई है, यहाँ पर श्रेया उद्देश्य है, कक्षा में प्रथम आई है विधेय है। उपर्युक्त उदाहरणों में आपने देखा कि वाक्य की रचना के लिए उद्देश्य कर्ता तथा विधेय क्रिया का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं। पहला छात्र चलो, दूसरा कहाँ, पहला बाजार, दूसरा क्यों, पहला खरीदेंगे, दूसरा क्या, पहला पुस्तकें। उपर्युक्त सभी अभिव्यक्ति के स्तर पर तो एक शब्द वाली रचनाएं हैं, परंतु भाव या अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ है। वस्तुतः यह वार्तालाप इस प्रकार होगा, पहला छात्र मेरे साथ चलो, दूसरा कहाँ चलना है, पहला हम बाजार चलेंगे, दूसरा बाजार क्यों चलेंगे, पहला बाजार से कुछ खरीदेंगे, दूसरा बाजार से क्या खरीदेंगे, पहला बाजार से पुस्तकें खरीदेंगे। अतः विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं। यह हमेशा याद रखना है कि प्रत्येक शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। वाक्य में जो भी शब्द आता है वह व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। हर शब्द का अपना एक क्रम होता है, यानी सीक्वेंस होता है, और शब्दों के बीच परस्पर अनवति होती है। इन व्याकरणिक नियमों का सही ज्ञान न होने से वाक्य रचना की अशुद्धियां देखने में आती हैं, और इस प्रकार के प्रयोग भी कई बार देखने में आते हैं। जैसे मेरे को अपनी कॉपी दे दो, डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, उसे नौकर से बुलाओ, रोटी तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिली, ये सभी वाक्य अशुद्ध है। सामान्यतः वाक्य रचना के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखने में आती हैं। पहला है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, जिसमें अशुद्ध वाक्य है विद्यालय बच्चा है जाता। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, बच्चा विद्यालय जाता है। अशुद्ध वाक्य है एक गीतों की पुस्तक चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, गीतों की एक पुस्तक चाहिए। वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यदि वाक्य में क्रिया अकर्मक है तो पहले कर्ता फिर क्रिया आती है, जैसे मैं पढ़ता हूँ। विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं, जैसे अरे यह कब हुआ। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं, जैसे वह तेज दौड़ता है। वाक्य तर्क संगत होना चाहिए, जैसे अशुद्ध वाक्य है
मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, मेहमान को खाना प्लेट में रखकर दो। दूसरे प्रकार की अशुद्धि है अन्विति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है आप खाना खाओ। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, आप खाना खाइए। अशुद्ध वाक्य है मनु या मीरा जाएंगे। शुद्ध वाक्य होगा, मनु या मीरा जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि वाक्य में कर्ता क्रिया अन्विति होना भी आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कर्ता संज्ञा के साथ परसर्ग विभक्ति चिन्ह नहीं है तो क्रिया उसी के अनुसार बदलती है, जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़कियां खेल रही हैं। यदि कर्ता के साथ परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है, जैसे लड़के ने मिठाई खाई। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित है तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन तथा अन्य पुरुष रूप में आती है। लड़के ने मिठाई को खाया, लड़की ने सेब को खाया। कर्ता में यदि समान लिंग वाली क्रियाएं और से जुड़ी हों तो क्रिया बहुवचन में आती है, जैसे मोहन सोहन मधुर और राघव विद्यालय जा रहे हैं। दिव्या कीर्तिका आंचल और मधु पुस्तकालय जा रही हैं। यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हों तो क्रिया अंतिम संज्ञापद के अनुसार बदलती है, जैसे राघव दीपक या भावना जाएगी, शिखर करण या माताजी आएंगी। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे कौन आया है, वह बैठ गया। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम निम्न प्रकार होगा, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। क्रिया अंतिम पद के अनुसार होगी, तुम, वह और मैं जाएंगे। रूपांतरण रचनांतरण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य इस प्रकार है, बच्चों से पतंग नहीं उड़ी। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, बच्चों से पतंग नहीं उड़ाई गई। अशुद्ध वाक्य इस प्रकार है, नौकरानी से झाड़ू लगाओ। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, नौकरानी से झाड़ू लगवाओ। अन्य अशुद्धियां। पुनरुक्ति की अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य इस प्रकार है, उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, उसने अपनी बात सप्रमाण कही अथवा उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही। परसर्ग संबंधी अशुद्धियां। मैं बस पर गया, मैं बस से गया। अशुद्ध वाक्य है, यह काम समाप्त होने पर है। शुद्ध वाक्य है, यह काम समाप्त होने को है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है, तेरे को यह बात किसने बताई। शुद्ध वाक्य है, तुम्हें यह बात किसने बताई। वाक्य निर्माण की अन्य अशुद्धियां। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अशुद्ध वाक्य है, क्या यह संभव हो सकता है। शुद्ध वाक्य है, क्या यह संभव है। इस प्रकार हमने वाक्य विचार पाठ को फिर से समझा। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। शब्दों का सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य में शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान होने से ही शुद्ध वाक्यों की रचना संभव है। कभी कभी पदों का उचित स्थान पर प्रयोग न होना भी वाक्य अशुद्धि का कारण बन जाता है। क्रिया और कर्ता के प्रयोग में सामंजस्य का अभाव भी वाक्य की अशुद्धि का कारण होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किए जाने पर ही शुद्ध वाक्य का निर्माण होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। एक ही शब्द का वाक्य में दो बार प्रयोग पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि पैदा कर सकता है।
परसर्गों के अनुचित प्रयोग से वाक्य में अशुद्धि पैदा हो जाती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ध्यान से न किए जाए तो वाक्य अटपटे और अशुद्ध हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं, उन प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं अभ्यास के अंतर्गत आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अभ्यास के कार्य करवाए गए हैं, उनको पुनः पुनः दोहराएं एवं पाठ को अच्छी तरह से समझें। हमारे पाठ का पुनर्अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।